सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इस संसार में कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के जीवन में मित्रता एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको ये तीन भेंट दिए हो, समय और समर्पण। आज का पंचांग 17 सितंबर 2023 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 11:09 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 10:02 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:45 से 6:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 11:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर दोपहर 1:34 तक रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। विश्वकर्मा जयंती, कन्या संक्रांति और वाराह जयंती की शुभकामनाएं। सिंह राशि 17 सितंबर 2023 दिन रविवार, आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इसे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और की चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं। अनुकूल ग्रह स्थिति है, आपके कार्य बेहतर तरीके से पूरे होते जाएंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है, ऐसा करके आपको सुकून मिलेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे। जीवन में आ रहे बदलाव पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें। किसी भी व्यक्ति का साथ या मार्गदर्शन न होने से बार बार अकेलापन महसूस होगा। मन में डर होने से हर एक बात को दोबारा परख कर ही आप आगे बढ़ेंगे। इस कारण गलतियों को टाला जा सकता है। काम में खुद को पारंगत बनाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल काम अकेला ही करने की कोशिश करें, आगे चलकर काम के लिए पार्टनर मिल सकता है। लाइफ पार्टनर से मिल रहे साथ के कारण स्वभाव और अन्य बातों में बड़ा बदलाव आएगा। डिहाइड्रेशन के कारण तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, स्वार्थ से क्षणिक लाभ मिल सकता है। व्यवस्थित रहने से आप खुद के लिए भी समय निकालने में सक्षम होंगे। युवा आलस और मौज मस्ती में समय व्यर्थ न करें, इससे आपका नुकसान होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए विश्वास बना रहेगा। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरीके से समझे जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कही गई हैं, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ की जीत करने या बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। बात करते हैं करियर की। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरह भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है, लेकिन यह ठीक है। काम से एक दिन की छुट्टी लें और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी, कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। रुके हुए पेमेंट पाने की कोशिश करनी होगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्य आगे बढ़ेंगे
ऑफिस के सहकर्मियों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा। बात करती हैं सेहत की। आप अपनी किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रही। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने स्वीकार कर जो असुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वह आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। आज के उपाय। आज आप विधिवत सूर्य भगवान जी की पूजा करें और घर के सभी सदस्यों के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।